Hello students, welcome to online class. In this video, today we are going to discuss about muscular tissue. Muscular tissue is composed of muscle cells. ये characteristics of the muscular tissue क्या है, इसके बारे में कैसे study करेंगे, तो सबसे पहले उसका characteristics जानते हैं. Muscular tissue composed of muscle cells. Muscular tissue composed of muscle cells and muscle fibers. Right? Muscles are elongated and large in size. Undersized proteins are present in the fibers. It helps the contraction and relaxation. Right? Muscular tissue composed of muscle cells and or muscular fibers. It helps in the contraction and relaxation. यह body को क्या करता है, contraction provide करता है, उसको work करने में speed भी करना help करता है and relaxation और उसको relaxed mode में भी करने में help करता है और muscular tissue. Suppose कैसे कैसे जब हम लोग run करते हैं तो हमारा body क्या करता है, हमारी body अंदर contraction होता है, लेकिन धीरे 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 क्या होता है, हमारा बॉडी जब हम रेस्ट पोजिशन जाते हैं तो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं तो क्या होता है, रिलैक्सेशन मोड में आने लगते हैं. मसल आर इलांगेटेड, उनके जो शेप होते हैं कैसे होते हैं, इलांगेटेड एंड लार्ज इन साइज एंड कंटेंटाइल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मसल टिश्यू. मसल टिश्यू में क्या होता है, कंटेंटाइल प्रोटीन का भी कोड होता है, कंटेंटाइल प्रोटीन क्या होता है, व्हाट इज इट, कंटेंटाइल प्रोटीन स्पेशली एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन एंड मायोसिन जो दो प्रोटीन है, ये बॉडी के अंदर में क्या कर सकते हैं, बॉडी को मूवमेंट, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये प्रोवाइड ही करते हैं. राइट, टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू, बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. नंबर फर्स्ट वोलंटरी मसल, वोलंटरी मसल नोन एज स्टेटेड मसल. सेकेंड इन वोलंटरी मसल को कहते हैं स्मूथ मसल एंड लास्ट है आपका कार्डियक मसल. तो हम सबसे पहले वोलंटरी मसल को हम स्टडी करते हैं. वोलंटरी मसल का जो नाम है, वोलंटरी मसल मीन क्या होता है, वोलंटरी मसल इज नोन एज स्टेटेड मसल. इसको क्या कह सकते हैं, स्टेटेड मसल, स्केलेटल मसल. तो इनका क्या होता है, कैसे इनका नाम देते हैं, वोलंटरी मसल जो हमारे कंट्रोल में हो. वोलंटरी मसल का एक्शन जो होता है इन आवर कंट्रोल, इट इज नोन एज स्टेटेड मसल. वोलंटरी मसल इन आवर कंट्रोल, याद कर सकते हैं, दे वर्क एट द विल ऑफ एनिमल. राइट, इट हेल्प इन लोकोमोशन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट. वोलंटरी मसल क्या कर सकता है, ये बॉडी को लोकोमोशन करने में हेल्प कर सकता है और मूवमेंट करने में हेल्प करता है. अब यहाँ वर्ड दो आता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड रिलैक्सेशन. लोकोमोशन एंड मूवमेंट, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, दोनों का मीनिंग सिमिलर करता है. लोकोमोशन भी करना होता है और मूवमेंट भी करना होता है, बट दे आर हैव अ लिटिल डिफरेंसेस. लोकोमोशन मीन क्या होता है, व्हेन द बॉडी मूव वन प्लेस टू अनदर, तो हम कह सकते हैं ये लोकोमोशन होता है. एंड मूवमेंट, मूवमेंट व्हेन द बॉडी मूव इन पर्टिकुलर प्लेसेस. जैसे मैंने अपने हैंड को रेस किया, ये मूवमेंट हुआ, मैंने आई ब्लिंकिंग कर रहा है, एक मूवमेंट है. लेकिन हम अगर कहते हैं कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूवमेंट कर रहे हैं, ये हो गया लोकोमोशन. एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन इज द वे बाय व्हिच यू फील, वी फील इन रिलैक्स पोजिशन एंड वी फील कंफर्टेबल, या आई लिविंग ऑन यूजन फील बेटर एंड आर कंफर्टेबल. राइट, सेकेंड इन वोलंटरी मसल क्या होता है, इन वोलंटरी मसल नोन एज इम्यून मसल.
इन वॉलंटरी मसल्स को क्या कर सकते हैं ना, एक मूज मसल फायदा कर सकते हैं तो आर द सर्फिस ऑफ द मसल टिश्यू आर इट मूज एंड डू नॉट वर्क एट रेगुलर इंटरवल। ये क्या होता है इन वॉलंटरी रेगुलर कंट्रोल ऑफ एनिमल्स, मतलब ये कर सकते डू नॉट वर्क एट रेगुलर इंटरवल, ये एनिमल्स के इच्छा के अनुसार वर्क नहीं कर सकता है। फंक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू आइसोफैगस, जैसे आइसोफैगस का काम क्या है, आइसोफैगस है अगर फूड को एक ये फूड आइसोफैगस के होते हुए हमारे स्टमक में पहुंचता है तो ये आइसोफैगस तो आइसोफैगस में जा करके उसको ग्रो के फूड को एक गजट बात है। कभी कभी आप फूल करते हो जब आप फूड को इंटेक करते हो, फूड को ईटिंग करते समय फूड हमारे जैसे आइसोफैगस की आज लड़क जाता है, उस समय आप कैसा फील करते हो, ठीक है, तो उसी से क्या होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकता कि इसको हम चाहे मजबूर हो रोक दें और मजबूर फेर के चले जाए, राइट। तो कम से कम का मूवमेंट ऑफ द फूड टू द आइसोफैगस एंड अदर लिम्स, इसको सपोर्ट कर सकते हैं स्केलेटल मसल, उसको कह सकते हैं स्केलेटल मसल, वॉलंटरी एक्शन को क्या कहते हैं स्केलेटल मसल भी कहते हैं। कैसे करते हैं, व्हेन अटैच टू अ स्केलेटन, जब मसल क्या है व्हेन मसल अटैच टू स्केलेटन, अगर मसल पार्ट स्केलेटन पे अटैच है तो ये हो जाएगा आपका स्केलेटल मसल, व्हेन मसल अटैच टू द इसे बोन तो भी क्या होगा, ये वो ही प्रोवाइड करता है स्केलेटल मसल को, फ्रेमवर्क वाली प्रोवाइड करता है। और व्हेन स्ट्रेचिंग आर प्रेजेंट, जब मसल में क्या होता है स्ट्रेचिंग प्रेजेंट होता है, स्ट्रेचिंग ही क्या करता है हमारे बॉडी को कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। हर क्या होता है दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ बॉडी, ये हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलंटरी एक्शन क्या होता है हमारे कंट्रोल में होता है। ये होता है आपका जैसे कार्डियो मसल, कार्डियो मसल क्या होता है, कार्डियो मसल द मेन फंक्शन ऑफ द कार्डियो मसल, कार्डियो मसल का फंक्शन क्या होता है इट हेल्प द पंप ऑफ ब्लड, इट हेल्प द पंप ऑफ ब्लड इन एंड आउट ऑफ द हार्ट, क्या हार्ट में ब्लड को एंटर करता है और आउट करने का काम कौन कर सकता है कार्डियो मसल। और ये इनका शेप ऐसा होता है दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप, राइट, और दे है ब्रांचेस, मेनी ब्रांचेस इन कार्डियो मसल, और दे है स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ मसल, दे है स्पेशल टाइप ऑफ मसल दैट हेल्प इन एंड आउट ऑफ द ब्लड, कहाँ पे इन द हार्ट, ये हार्ट में ब्लड को पंप करते हैं इन करने में एंड आउट करने में, राइट। एंड दे हैव सिंगल न्यूक्लियस, और ये मसल में क्या होता है दे हैव सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल, राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड मसल ऑफ मसलर टिश्यू। I hope you all understand.